सेवन्थ क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने बताते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हम किसी नंबर को उसकी पावर्स के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, या फिर उसको हम कहते हैं कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यानी कि एक ही नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर मेन नंबर बनेगा। देखो इसका एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास एग्जांपल है, सबसे पहले जैसे 8 है यहाँ पर, तो 8 क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ओके, 2 पावर 3 लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, एक्सपोनेंट और पावर जो है ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, जैसे इसके अंदर इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन है ax नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसका मतलब, ठीक है, a मल्टीप्लाई ऐसा m बार हो रहा है, तो a की पावर m हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ आपको कि बताओ 5 की पावर 5 का क्या मतलब है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 5 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5। दिस ओके, ठीक है। उसी तरह से 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, ठीक है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, पावर भी बोल देते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं। जैसे अपने पास अपने भी ये एग्जांपल था 2 की पावर 3, तो 2 इज द बेस एंड 3 इज एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स, इसके लिए हमारे पास 3 नाम है, ठीक है। इज ओके, ठीक है। अगर उसमें पावर हो 2 तो उसको हम स्क्वेयर बोलते हैं, अगर पावर हो 3 तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2 आर कॉल्ड स्क्वेयर नंबर। से मैं कहता हूँ 5 की पावर 2 तो इसका मतलब है 5 स्क्वेयर। मैं कहता हूँ 8 की पावर 2 तो इसका मतलब 8 स्क्वेयर है। और इस तरह से मैं कहता हूँ 19 की पावर 3 तो वो क्यूब नंबर है। इज दिस ओके, ठीक है। तो इसको हमारे पास पढ़ने का तरीका है, जैसे मैं कहता हूँ 2 का स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर बोलते हैं, 3 स्क्वेयर का मतलब 3 की पावर 2, 4 स्क्वेयर का मतलब 4 की पावर 2, एंड सो ऑन। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर है, हम नेगेटिव नंबर को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि नेगेटिव नंबर भी पावर की फॉर्म में आ सकता है। इज दिस ओके, ये चीज़ आपको पता हो, याद रखना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि -16 नहीं, आप इसको लीजिए -32, तो -32 क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई -2 5 टाइम्स होगा, ठीक है। 5 टाइम्स होने से क्या होगा, देखो 4 बार हमने पहले 16 लिया था, 16 क्यों कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि मुझे पता है कि 16 के अंदर 2 आएगा 4 टाइम्स, और जब भी इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को तो प्लस बन जाता है, हमने सीखा है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अगर ओड पावर होगी तो नेगेटिव नेगेटिव ही रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ओ प्राइम फैक्टर ओ 100, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर है, ठीक है, हम उसके फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाना हमने 6th क्लास में सीखा हुआ है। तो फैक्टर बनाने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसको प्राइम फैक्टर्स की पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि 18 का फैक्टर्स क्या हों, तो आप फटाफट से 18 का एलसीएम वाले मेथड से फैक्टर बनाओगे, और आप उसको बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 2 इसमें कितनी बार आया, एक बार आया, तो आप इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 3 कितनी टाइम्स आया, 2 बार आया, तो आप उसको क्या कहोगे, 3 की पावर 2। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये भी एक जस्ट लिखने का एक नया तरीका है, क्योंकि पेज सेविंग मेथड ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इसमें कहता हूँ कि आप मुझे बताओ 144 के फैक्टर्स बनाओ। चलिए फटाफट से एक काम कीजिए, एक मिनट का टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज इन लाइव चैट। एक मिनट का टाइम लो, 144 के फैक्टर बनाओ। सेकेंड स्लैब,
30 seconds left. लास्ट के 20 सेकेंड्स, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी, 144 के फैक्टर बनाने हैं आपको. ओके, काउंटडाउन स्टार्ट होता है. 10, 9, 3, 2, 1. ओके, स्टॉप राइटिंग. तो 144 के जो आपने फैक्टर बनाए तो उसके आपके पास बने होंगे 2, तो आया होगा 4 टाइम्स. ध्यान से देखिए एक बार, 2 आया होगा आपके पास 4 टाइम्स, ठीक है, और 3 आपके पास आया होगा 2 टाइम्स, ठीक है. 3 आपके पास 2 टाइम्स आया है, 2 आपके पास 4 टाइम्स आया है. तो आपने इसको लिखा होगा 144 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ओके, हमने ये चीज़ लिखी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 हमने 4 बार लिखा और 3 हमने 2 बार लिखा. तो इसी चीज़ को मैं दोबारा क्या कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. अब देखो स्पेस थोड़ा सा कम हो गया ना, ठीक है. अब देखो क्या है कि मैथ्स के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है पेन एंड पेपर, है ना. तो हम चाहते हैं कि कम से कम पेपर वेस्ट हो और उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर को यूज़ करते हैं. दिस ओके, ठीक है. एक और करोगे, चलो एक और फैक्टर बनाओ आप. 256 के बनाइए, नहीं 256 के रहने दो, आप किसी और के बनाओ. आप बनाइए 324 के. 256 के सिर्फ 2 2 आएंगे ना, तो 256 आपको वैसे भी याद होगा 2 की पावर 8 होता है. ओके, तो आप बनाइए 324 के फैक्टर्स बनाइए. 1 मिनट का टाइम है आपके पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. के फैक्टर्स बनाने हैं और आपको मुझे पावर के आंसर बताना है कि किसकी पावर कितनी आएगी. ट्वेंटी सेकेंड जा चुके हैं. देखिए क्या है कि फैक्टर बनाना एक स्पीड का काम है, आपको थोड़ा सा स्पीड से करना होगा, ठीक है. 1 मिनट इज इनफ टाइम फॉर दिस. ऐसा मैं सोचना कि टाइम बहुत कम मिल रहा है, आपको उसमें स्पीड अपनी बढ़ानी है. ओके, सो आपके पास 35 सेकेंड्स जा चुके हैं, लास्ट के 25 सेकेंड्स बचे हैं, या फिर कहीं 20 सेकेंड्स. लास्ट के 10 सेकेंड्स, काउंटडाउन स्टार्ट होता है यहाँ से. 8, 7, 3, 2, 1. ओके, यू कैन स्टॉप राइटिंग. तो आपने 18 के फैक्टर बनाए, सॉरी आपने 324 के फैक्टर बनाए. तो 324 मुझे देखो ऐसे मुझे याद है कि ये 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है. 18 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 3 होता है, या फिर 2 × 3 × 3 होता है. तो आपने इसके जो फैक्टर बनाए होंगे इसके अंदर आपका 2 तो 2 बार आया होगा और 3 आपका 4 टाइम्स आया होगा, ठीक है. क्या यही आंसर आया है, एक बार चेक करो. 2 आया है आपका 2 टाइम्स और 3 आया है 4 टाइम्स, ठीक है, चेक करो एक बार. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4. तो दिस ओके, तो ये इसके लिखने का तरीका होता है, पता लगा. तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं. ओके, आप ये जो साथ में नोट्स हैं ना इसके अंदर, आप इनके स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें काम की हैं जो आपने पहली बार आप इसको सुन रहे हैं. तो आपको देखो मैथ्स में भी नोट्स बनाने होते हैं, सिर्फ साइंस के अंदर SST के अंदर नोट्स नहीं होते, मैथ्स के अंदर भी नोट्स होते हैं, क्योंकि मैथ्स के नोट्स ही बेसिक है. ओके, ठीक है. उसके बाद है, इफ़ वी इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स द वैल्यू रिमेन सेम. तो ये देखो एकदम बचकानी बात है, 2 × 3 = 6 3 × 2 = 6, कोई फर्क पड़ा क्या अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, पहले किसी और को बाद में किसी और को, तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो ये है अपने पास एक्सपोनेंट्स के जो हमारा बेसिक है वो स्टार्टिंग हो चुकी है. उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हमें इन चीज़ों से रिलेटेड है. ओके ओके, तो ये आपका NCERT के अंदर से चैप्टर है, हम इसके सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं जो हम सीख चुके हैं. इंट्रोडक्शन ये तो आपको पता लग गया हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है. एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे हमने कहा इसको कि मल्टीपल्स में लिखते हैं. अच्छा, इसको
एन की जगह हम इसको 2 × 5 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 भी इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। इट इज़ ओके। तो ये देखिए इसमें ये कुछ चिंता में है ये गुड़िया अपनी, ठीक है। आपकी क्लास में कौन हो सकते हैं पहचानने से? चलिए जो भी है, तो हमारे पास है यहाँ पर, तो इसने क्या सोचा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो इसने वही तो सोचा है, और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आ गया। तो इसका सोचना एकदम सही है, तो शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कि इस तरह से हमने जो भी अभी देखो किया था इसमें कि क्यूब क्या होता है, स्क्वेयर क्या होता है, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ओके तो अपने पास ये देखिए, चलिए इसको ट्राई कीजिए एक बार। पाई मोर सच एग्जांपल वेयर ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट आपको पता है उसकी पावर को बोलते हैं और बेस नीचे वाले को बोलते हैं। तो आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि वो एक परफेक्ट नंबर ही हो, यानी कि जैसे आपको पता है 2 4 एक 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 हो सकता है, उसी तरह से आप इसमें ले सकते हो 3 की पावर 3, जैसे कि दैट इज़ 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27, दिस इज ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। ओके तो आप इसका एग्जांपल बड़े आराम से सोच सकते हो। ओके ये देखिए यहाँ पर है अपने पास a मल्टीप्लाई, a को हम क्या बोलते हैं, a स्क्वायर, a को 3 बार लिखेंगे तो a क्यूब। उसी तरह से 4 के लिए हमारे पास 4th पावर हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद फिर देखो हर चीज़ के लिए हम वर्ड्स नहीं बनाते, उसके बाद फिर हम एक जनरल वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखो अपने पास 7 बार a है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 7th पावर ऑफ a, या फिर a रेज टू पावर 7, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो अपने पास मान लो कि मिक्स आ जाए, 3 बार a आ गया 2 बार b आ गया, तो इसको बोलेंगे a³b², ठीक है। इट्स ओके, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब देखो क्या है, a की जगह आप 2 रख दो, b की जगह 3 रख दो, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपने पास एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से बताओ। चलिए जी अपने पास एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं, एक्सप्रेस 729, 128 एंड 343। सो आपके पास हर क्वेश्चन के लिए टाइम है 45 सेकेंड्स, और तीनों क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम हो गया टोटल फिर 45 45 90। चलिए आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है तीनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई थिंक दिस टाइम इज़ इनफ। तो जिसका आंसर होता जाए आप उसका अपने लाइव चैट में बताते जाइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एग्जाम्पल्स को देखते रहना साथ के साथ। सेकेंड्स हो चुके हैं, 1.5 मिनट्स लेफ्ट। ओके आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबका हो चुका होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका कितना आया होगा, 3 की पावर 6। 729 का कितना आया, 3 की पावर 6 आया क्या? यस 3 की पावर 6, क्योंकि आपने इसको देखो अगर, वैसे तो मुझे देखो स्क्वेयर याद है 30 तक, आप भी याद करोगे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो दिस इज स्क्वेयर ऑफ 27। ओके 27 का स्क्वेयर है, 27 में 3 3 टाइम्स आता है, तो 2 बार 27 है, तो 3 बार पहले वाले में, 3 बार दूसरे वाले में, टोटल हो गया 6 टाइम्स। तो पहले का आंसर आया 3 की पावर 6। ओके सेकंड पार्ट, 128 को आपको एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ 1 मिनट 40 सेकंड्स हो चुके हैं आपको, लास्ट के 20 सेकंड्स बचे हैं दोनों क्वेश्चंस के लिए। सेकंड पार्ट का आया होगा आपका 2 की पावर 7, दैट इज गुड। और लास्ट वाले का आपका आया होगा टाइम्स अप, और लास्ट वाले का आपका आया होगा 7 की पावर 3। तो पहले वाले का 3 की पावर 6, 2 की पावर 7 एंड 7 पावर 3। चलिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए, 256 को पावर 2 में कैसे किया इन्होंने,
फैक्टर बनाए 2 की पावर 8 आ गया। आपको बताना है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में से बड़ा कौन है, तो वैल्यू निकालो 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो अपने को पता लग गया कि 3 की पावर 2 तो 9 है, ये 8 है, तो 9 बड़ा होता है। ठीक है, 8 की पावर 2 और 2 की पावर 8 में से बड़ा कौन है, तो 2 की पावर 8 बड़ा है, क्योंकि 2 की पावर 8 हमने यहाँ निकाला हुआ है 256, और 8 की पावर 2 यानी कि 8 8 64, तो 64 तो बहुत छोटा है ना 256 से, पता लगा। ठीक है, उसके बाद देखो अपने पास क्या है, हमें इन सबको एक्सपेंड करना और बताना है कि क्या ये सब सेम है। एक्सपेंड का मतलब होता है इनको पावर की जगह नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो 1 की पावर 3 है तो हमने 1 को 3 बार लिख दिया, 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिख दिया, उसी तरह से यहाँ पर 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि क्या ये दोनों सेम है, तो देखो ये चारों के चारों आपको क्या करने हैं, इसमें 3 बार है और 2 बार है, इसके अंदर 2 बार है और 3 बार है, इसके अंदर 3 बार है और 2 बार है, तो इसका मतलब हुआ कि एक तो 3B2 और 2A3 ये दोनों इक्वल है, सेम है, उसी तरह से 2B3 और 3A2 सेम है, क्योंकि हमने बात की थी ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है, आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो इन्होंने सॉल्व करके लिखा रखा है, नेक्स्ट के आपको मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा नहीं, ये तरीका है कि आपको किस तरह से करने हैं। तो 72 के सबसे पहले आपने फैक्टर बनाए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप बड़े आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो ये इसका हो गया। ठीक है ना, चलिए 432 का करके देखिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज रनिंग, 10 सेकेंड्स हो चुके हैं आपको फर्स्ट पार्ट के लिए, 3 पार्ट है, तीनों के लिए आपको 1 1 मिनट आपको मिलेगा। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को कीजिए, 432 का आंसर पहले हम उसको मैच करेंगे, उसके बाद फिर बाकियों की बारी आएगी। ओके, फर्स्ट वाले के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स बचे हैं 432 के लिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है वो कैलकुलेशन में होती है, तो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। लास्ट के 5 4 3 2 1, ओके स्टॉप। चलिए 432 का आंसर मैच कीजिए। अब क्या आपका 432 का आंसर यही है, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, अगर ये है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप एक बार चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, ये इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास 1000, तो आपको 1000 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट के 25 सेकंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, हालांकि 1000 का तो काफ़ी इजी था, तो आपने इसको जल्दी ही कर लिया होगा, बट फिर भी वी हैव टू टेक इक्वल टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। लास्ट के 5 सेकंड्स, 4 3 2 1, ओके स्टॉप। चलिए 1000 का आपका आंसर आया होगा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, तो वही है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ओके, चलिए 16000 का आप देख ही लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अदरवाइज। तो ये है हमारे पास 16000, ओके, 2 की पावर 7 एंड 5 की पावर 3, इट इज़ ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि एग्जाम्पल नंबर 6, आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है क्या होगी। तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस वन माइनस वन माइनस वन, दो माइनस तो आपस में प्लस बना देंगे लेकिन एक माइनस बचेगा तो माइनस वन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, माइनस वन की पावर अगर ओड नंबर है तो माइनस आंसर आएगा, माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो जाए तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव पावर नंबर की पावर ओड हो जाए तो आंसर नेगेटिव आता है। ऐसे इसमें देखो माइनस फाइव की पावर फोर, फोर एक इवन नंबर है, इसका आंसर पॉजिटिव आया होगा। देखो प्लस का 625 आया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह से माइनस टेन की पावर थ्री, दिस इज ओड नंबर, तो इसका आंसर नेगेटिव आया हुआ है, ऑफकोर्स नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 13.1 जो आपको ट्राई करनी है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इनको नोट कीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 13.1। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं, तो एक बार इसको नोट कीजिए 3 to 8 एक साथ ही, और क्वेश्चन नंबर वन एंड टू। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, तो ये दो नंबर दे रखे हैं आपको, इनको बताना है आप में को कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाने हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप एक बार इन क्वेश्चन को करके रखिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।